तालियां बजाकर स्वागत करिए और देव आशीष जिनको आशीष है सबका वो उनका स्वागत। 10-20-50 करोड़ एक सीट पे खर्च करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपने चुनाव में 10-20-50 करोड़ रुपए खर्च करता है तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम वो क्या करेगा, बताइए आप लोग। पहला काम वो ये करेगा कि जो पैसा उसने लगाया है चुनाव में भाई वो कमागो, ठीक है अम्मा। सबसे पहला काम करेगा 10-20-50 करोड़ खर्चा करो है, पहले भाई कमागो, फिर भाई अगला चुनाव लड़ना है तो अगले चुनाव लड़ने का है वो 10-20-50 करोड़ और धरे वो जमा करेगा, फिर भाई अपने बीवी बच्चों पालने बच्चों बिने के आजू जमा करेगा, और जब जब के बाद जब सब कुछ निमट जाओ तो पांच साल निकल जाएंगे आपका नंबर निकल जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति और उनका सिद्धांत है और इसी से इसी पर वो 30 साल से चलते आए। अब आपके सामने दो विकल्प है, या तो भारतीय जनता पार्टी जो 30 साल से जो चलता आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, या तो आप उसके साथ रहे उस धड़ल्ले की जो राजनीति वो करते आए हैं कि उनका प्रत्याशी जो आता है वो पहले ही एक नेता की जेब में होता है, बड़े बड़े पूंजीपति को जेब में होता है, उसमें फंड खर्च करते हैं और उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाता है तो नेताओं की और उन पूंजीपति की गुलामी करता है, जनता के लिए काम नहीं करता है, या पहला विकल्प है। या फिर दूसरा विकल्प आपके पास है कि आप परिवर्तन को चुनो बदलाव को चुनो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते, 30 साल में जो कुछ हुआ चाहते हैं कि नहीं चाहते, यहां पे सभी लोग खड़े हैं, आपसे पूछना चाहता हूं चाहते हैं कि नहीं चाहते, अगर चाहते हैं दोनों हाथ खड़े करो, क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते परिवर्तन। तो ये चुनाव केवल दो चीजों के बीच में है, ये चुनाव यथास्थिति दतिया लोकसभा क्षेत्र के विकास का नए अध्याय खुशहाली और परिवर्तन का चुनाव है। और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपनी माताएं बहनों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सम्मानित युवा साथियों से कि आप सभी लोगों को परिवर्तन चुनना है। आज क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इन सब के लिए हमें काम करना है। आदरणीय बंधु, आज का अखबार पढ़ा मैंने, आज का अखबार पढ़ा तो आज के अखबार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की पहला व्यक्तित्व मैंने पढ़ा, उनका पूरे चुनाव में तो नहीं पढ़ पाया ना उनको सुन पाया, लेकिन आज पहली बार उनका व्यक्तित्व छपा हुआ देखा, पता नहीं किसने छपाया, उन्होंने बोला कि किसी और ने छपाया, पर लेकिन पढ़ा तो मैं पढ़ना चालू किया, कम से कम 250 शब्दों का वो आर्टिकल लिखा होगा पेपर में, अखबार छपी होगी खबर, तो मैं जब देखा कि भैया देवाशीष जरारिया ऐसा, देवाशीष जरारिया ऐसा, देवाशीष जरारिया ने जी किया, मैं पूरी खबर में देख रहा था कि इसने कहीं तो लिखा होगा 2 दिन चुनाव के बचे कि भिंडतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगी, ये किसानों के लिए क्या करेंगी, ये युवाओं के लिए क्या करेंगी। पर मेरे अचरज की बात है कि आप लोगों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, 17-18 लाख मतदाताओं के लिए, मेरे युवा साथियों के लिए, मेरे किसान भाइयों के लिए, मेरी माता बहनों के लिए, उस पूरे लेख में एक शब्द का जिक्र नहीं है। और ऐसा ही जनता पार्टी के प्रचार में है, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है तो केवल धर्म की बात कर रही है, अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रही है, अरे मोदी जी की बात कर रही है, लेकिन जनता की बात नहीं कर रही है, आप लोगों की बात नहीं कर रही है। वही आपका ये था जिस दिन से प्रचार में लगा है, जिस दिन से उसने प्रचार की कमान संभाली है, जिस दिन से उसको टिकट मिला है, जब से आपके सामने बोलने का मौका मिला है, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, अरे मेरे विरोधी या कहें प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता और 3-3 बार के मुख्यमंत्री, इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तमाम लोगों ने आके मुझे गालियां दी, अरे गरीब के बेटे को गाली दी, एक शिक्षक के बेटे को गाली दी, और हमारे पास तो तामझाम नहीं है आदरणीय बड़े बुजुर्गों, माता बहनों, हमारे पास तो आपका पैसा नहीं, बहुत आम परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मीडिया खरीद लूं, सोशल मीडिया पे हजारों लोगों की आर्मी बिठा दूं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि इनका जो कुप्रचार है करोड़ों रुपए का उसका मुकाबला कर लूं, पर ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं, जिस दिन से मेरा टिकट हुआ है उस दिन मुझे कुचल देना चाहते हैं कि 28 साल के नौजवान को पनपने नहीं देना है। अरे भाई डर किस बात का 28 साल के नौजवान से, किस बात का डर है,
इस बात का डर है कि जनता की आवाज उठाता है, गरीबों की आवाज उठाता है, मजलूमों की आवाज उठाता है, माता बहनों की रक्षा की बात करता है, युवाओं के रोजगार की बात करता है, तो तुम मुझे कुचल दोगे। लेकिन मैं अपने किसी भी व्यक्तित्व में, अपने किसी भी चुनावी सभा में, अपनी किसी भी उद्बोधन में, मैं न कभी किसी शिवराज सिंह चौहान को, न कभी किसी विनय सहस्त्रबुद्धे को, न भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता को, न उनके किसी प्रत्याशी को, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मैं आपको गालियां नहीं दूंगा, मैं आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा। अरे मुझे जीवन का पहला चुनाव लड़ने का मौका मिला है, अरे करोड़ों लोग रह जाते हैं सोचते सोचते कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन मैं भाग्यशाली रहूंगा, आप सभी के प्यार से आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है, तो कुछ करने के लिए मौका मिला है, पिंडदतिया लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए मौका मिला है, इन युवा साथियों को भविष्य बनाने के लिए मौका, इसलिए मौका नहीं मिला कि किसी को गाली दूं, किसी को नीचा दिखाऊं, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। केवल एक चीज पर चुनाव लड़ा है कि जनता के लिए क्या करूंगा, युवाओं के लिए क्या करूंगा, उनके लिए मेरी नीतियां क्या है, मेरी पार्टी की नीतियां क्या है, उस पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि चुनाव लोकतंत्र जो होता है वो लोकतंत्र जनता की भलाई के लिए होता है, जनता के विकास के लिए होता है। अरे हमारी जनता हमसे मांगती क्या है, किसान क्या मांगता है, किसान कहता है कि हमें सही टाइम पे बिजली मिल जाए, सही टाइम पे पानी मिल जाए, सही टाइम पे खाद मिल जाए और हमारी फसल सही टाइम पे बिक जाए, जी तो चाहता है। माता पिता क्या चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं कि हमारे मोरा मोरी बच्चे एक ढंग से पढ़ लिख जाए, स्कूल अच्छा मिल जाए, कॉलेज अच्छा मिल जाए, जी तो माताएं चाहती है। युवा क्या चाहता है, युवा चाहता है कि उसको अच्छा रोजगार मिल जाए। मेरे बड़े बुजुर्ग क्या चाहते हैं कि उनको अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं मिल जाए, हॉस्पिटल अच्छे मिल जाए। अब इससे ज्यादा कुछ जनता चाहती है क्या, किसी के हीरे मोती सोना चांदी जमीन जायदाद चाहती है जनता? तो सरकारें चुनी जाती है आपकी इन छोटी छोटी जरूरतों के लिए। जनता हमसे 125 करोड़ की जनता छोटे छोटे मुद्दे चाहती है, कोई बड़ी धन संपदा नहीं चाहती है। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और 10 पूंजीपति आते हैं कि लाइए हम आपका चुनाव पूरा फाइनेंस करेंगे, 10 पूंजीपति अगर चुनाव फाइनेंस करते हैं पूरा और 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ खर्च करते हैं और चुनाव जिता के ले जाते हैं, वही दूसरी तरफ एक नेता होता है वो जनता के लिए चुनाव लड़ता है। अब आप मुझे बताइए कि 10 लोगों के लिए चुनाव लड़ना, उनके लिए राजनीति करना आसान है या 125 करोड़ देशवासियों के लिए राजनीति करना मुश्किल है? 125 राजनीति करेगा जो सरकार बनाएगा वो 10 पूंजीपति के हिसाब से तो चलेगा ना। तो ले देश का जो लोकतंत्र है वो चंद पूंजीपतियों के जेब में रखने के लिए नहीं है, देश का लोकतंत्र जो है वो आम जनता के लिए है। आप सभी मालिक हो इस देश के लोकतंत्र में, जनता मालिक होती है, जनता सर्वोच्च होती है। आप सभी हमारे माई बाप हो, हम नहीं है कुछ भी, ना नरेंद्र मोदी है। तो 10 दिन का आप याद रखिए, जो चलेगी उनका काम आसान है 10 पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनाना, लेकिन 125 करोड़ के लिए नीतियां बनाना, जनता के हिसाब से चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी और आपका ये बेटा इसी बात में विश्वास करता है कि अगर चुनाव लड़ रहे हो तो 18 लाख जो आपके मतदाता है, 18 लाख जो आपका वोटर है, उसके लिए चुनाव लड़ो। हर जाति का, हर संप्रदाय का, हर धर्म का, हर लिंग का, छोटा बड़ा बुजुर्ग, हर किसी की अपनी जरूरत है, उन जरूरतों के लिए चुनाव लड़ो। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक विनम्र अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, देवाशीष के बारे में अनर्गल प्रयास करेगी, अफवाहें फैलाएगी, आज तमाम जगह पे फैला रही है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों, भारतीय जनता पार्टी के किसी बहकावे में आपको नहीं आना है। आपने उनको 30 साल मौका दिया, मेरे जीवन का ये पहला चुनाव है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक मौका इस बेटे को भी अवश्य देकर देखें। अंतिम में कहना चाहता हूँ कि इन पत्थरों में कोई भेद नहीं है, लेकिन किसी दिन जब एक पत्थर को एक शिल्पकार, एक मूर्तिकार उठाकर ले जाता है,
और छेनी हथौड़े जब उसकी कारीगरी करता है, उसको मूर्ति की शक्ल देता है, और जब वही मूर्ति मंदिर में विराजमान होती है तो क्या हो जाती है? पूजनीय। जब मंदिर में उसकी स्थापना हो जाती है तो उसकी पूजा अर्चना होने लग जाती है। वैसे ही आपका ये बेटा आज आपके बीच में जब आया है तो एक पत्थर के समान है, एक पत्थर की भांति है। आप सभी माताएं बहने, आप सभी बड़े बुजुर्ग, आप सभी मेरे युवा साथी, आप सभी वो कारीगर हो, आप सभी वो शिल्पकार हो, आपको छेनी हथौड़ा लेकर इस पत्थर को एक मूर्ति बनाना है। मैं आप सभी हाथ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस पत्थर को मूर्ति के रूप में स्वीकार कर ले। जय हिंद, जय भारत।